नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से माय स्मार्ट बिहार के इस YouTube चैनल में। दोस्तों STET 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 का फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी होते ही अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए हैं। नौकरी पक्की समझ रिलैक्स मूड में आ गए अभ्यर्थी अब परेशान हो उठे हैं। उनकी परेशानी का कारण बिहार बोर्ड की गलत बयानी है। दरअसल हुआ यह कि एग्जाम में क्वालिफाई कई अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि पहले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से लेकर अफसर तक ने बताया था कि जितनी सीटें हैं उतने लोग ही क्वालिफाई कराए गए हैं। आपको बता दें कि 12 मार्च को 12 विषयों का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई थी। सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी ने 14 मार्च को शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार से सवाल किया था कि सर, STET में जो क्वालिफाई है सबका जॉब होगा क्या? तो इस सवाल के जवाब में संजय कुमार ने कहा था हाँ। अब उसी अभ्यर्थी ने 21 जून को संजय कुमार से सोशल मीडिया पर ही पूछा, जब आपने ही कहा था जो क्वालिफाई है सबका जॉब होगा तो फिर सब अब मेरिट से बाहर कैसे हैं? इसके जवाब में संजय कुमार ने कहा कि हम लोग इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। इसको लेकर TET/STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने इतराज़ जताया है और उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा STET 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 का फाइनल रिजल्ट सोमवार को जारी किया गया। बोर्ड द्वारा जारी दो तरीकों का रिजल्ट दिख रहा है। एक में अभ्यर्थी उत्तीर्ण है लेकिन मेरिट लिस्ट से बाहर है, जबकि दूसरे में अभ्यर्थी उत्तीर्ण भी है और मेरिट लिस्ट से भी बाहर है। अश्विनी पांडे ने बताया कि BSEB ने बिना विषयवार कोटिवार बगैर रिक्ति और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या बताए हुए मेरिट लिस्ट कैसे जारी कर दी और 12 मार्च को पहली बार रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री और अनेक अवसर पर विभागीय अपर मुख्य सचिव द्वारा यह कहा गया है कि STET परीक्षा में सीट के विरुद्ध ही अभ्यर्थियों को पास कराया गया, इसलिए सबकी नौकरी पक्की है। लेकिन सोमवार को जारी रिजल्ट और मेरिट लिस्ट में ठीक इसके विपरीत हुआ है और उन्होंने कहा कि हजारों हजार उत्तीर्ण अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हैं और पूछा है कि जब सीट के ही अनुसार रिजल्ट जारी हुआ है तो फिर ऐसा क्यों हुआ। अश्विनी पांडे ने कहा कि BSEB केवल परीक्षा लेने की एक सरकारी एजेंसी है और वो किसी भर्ती प्रक्रिया में बहाली करने और मेरिट लिस्ट जारी करने की अधिकारी नहीं हो सकती है। यह काम विभिन्न शिक्षक नियोजन इकाइयों और शिक्षा विभाग का है। संघ ने सरकार से मांग की है कि जिलावार विषयवार और कोटिवार रिक्ति लेकर केंद्रीकृत ढंग से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेकर कुछ जिले का विकल्प लेने के बाद जिलावार मेरिट लिस्ट जारी करके बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और शिक्षक नियोजन के लिए मेरिट लिस्ट और कोटिवार रिक्ति के लिए पूर्णता नियोजन इकाई जवाबदेह होती है। उनसे उनका अधिकार छीनना पूर्णता असंवैधानिक बताया गया है और मांग ये है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग STET 2019 बहाली प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं, साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी सामने आकर अभ्यर्थियों के मन में उत्पन्न इस संशय को दूर करें।